अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीकली अफोर्डेबल सेल्फ केयर जो आप अपने घर में बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने हेयर ऑयलिंग कर लेनी है। अगर आप ऑयल नहीं लगा रहे तो आप कोई हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आपने वो करना है। और आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई सा भी ऑयल। और मैं यहाँ पे ऑयल लगा के तकरीबन एक घंटे के लिए अपने बालों को रेस्ट देती हूँ, जब तक मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ और जो मेरा ऑयल है वो मेरे बालों में अच्छे से ऑब्जॉर्व भी हो जाता है। और आपने ऑयल लगा के अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है, ऐसे जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा होता है, आपने अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है। सेकंड स्टेप जो है वो है न्यू नेल पॉलिश अप्लाई करना। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नेल पॉलिश अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो आप ये स्टेप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले अपनी नेल पॉलिश को रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक न्यूड कलर की नेल पॉलिश लगाऊंगी। मैं हर वीक नेल पॉलिश लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बेशक मैं से थोड़ी देर बाद या मास्क रिमूव कर लूंगी, लेकिन मैं लगाती जरूर हूँ। और मैं यहाँ पे न्यूड कलर की नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मैरून या रेड या जो ब्लैक कलर है वो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मैं उसे बहुत कम अप्लाई करती हूँ। किसी इवेंट्स के लिए, किसी स्पेशल डे के लिए या जिस दिन मेरा बहुत दिल कर रहा होता है, वैसे एवरी डे के लिए जो है मैं न्यूड नेल पॉलिश ही प्रेफर करती हूँ। इससे जो है आपके नेल्स बहुत क्लीन लगते हैं। और मैं यहाँ पे क्रिस्टैन की नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। इसका जो शेड है मैं आपको अभी बताती हूँ, नीचे मैं मेंशन कर दूँगी इस, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो वेलवेट इफेक्ट है और इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो नेल्स की लेंथ होती है ना, जितना आप केयर कर सकते हैं आप उतनी ही रखें। अगर आप बड़े नेल्स रखेंगे उसकी आप केयर नहीं करते तो वो बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है। जितना आप केयर कर सकते हैं आप उतनी लेंथ रखें। अगला स्टेप जो है वो है शेव योर बॉडी हेयर। बॉडी के हेयर मेरे लिए बहुत बड़ी इंसिक्योरिटीज़ का बायस है। आई नो ये बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे हर वीक पे करती हूँ। अगर आप चाहें तो वैक्सिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेजर यूज़ करती हूँ। रेजर से जो है बहुत कम्फर्टेबल हो जाता है और पेनलेस भी होता है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरी स्किन है वो स्मूथ हो जाए। आपने फॉर्म नहीं बनाना है, आपने बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है, सॉरी अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी जो हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है आपने उसी डायरेक्शन में रेजर से क्लीन कर लेना है। इससे आपके कट्स भी नहीं लगते ना, इससे आपके बाल ज़्यादा आते हैं ना शार्प आते हैं। आप इसे वीक में एक बार यूज़ करें, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। वैक्सिंग या शेविंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्क्रबिंग करें, लेकिन जो बाहर के स्क्रब है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं यहाँ पे होममेड स्क्रब यूज़ करती हूँ। इसके लिए आपने करना ये है कि थोड़ी सी कॉफ़ी लेनी है, थोड़ी सी वाइट शुगर और थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और जहाँ आपने शेविंग की है या जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स हैं या आपकी जहाँ पर आपकी स्किन टैन हो गई है वहाँ पर आपने इसे अप्लाई करना है। और मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगी, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे करें तो ये आपके लिए बेस्ट 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 है। मैं हर वीक भी अपने फेस पे स्क्रबिंग जरूर करती हूँ। उससे होता ये कि जो मेरे फेस पे टैन होता है या डस्ट होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। उसके लिए आपने करना ये कि थोड़ा सा कॉफी पाउडर लेना है, उसमें वाइट शुगर ऐड करनी है और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेना है। आप लेमन की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑयल से होता ये है कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर आप समर्स में कर रहे हैं, तो आपके लिए सेफ है कि आप लेमन ही ऐड करें। और इसे आपको अपने फेस पे लगा के अच्छे से 5 to 10 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग करके आपने फिर सिंपल वाटर से ही फेस वॉश कर लेना है। और ये जो स्क्रब है ये आपके लिए फेस के लिए बिल्कुल सेफ है। इससे आपके फेस पे कोई एक्ने नहीं होते और ये जो आपके फेस पे डस्ट होता है, टैन होते हैं, उसे अच्छे से रिमूव कर लेता है। और मैंने इसे खुद यूज़ करके देखा है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। फेस मास्क जो है मैं होममेड यूज़ करती हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये आपकी स्किन पर ग्लो लाता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। आपने थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। मिल्क की आप रोज़ वाटर, सिंपल वाटर या एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने ऐड करके और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना। और जब तक आपका मास्क 100% ड्राई ना हो जाए आपने फेस वॉश नहीं करना। जब आपका मास्क ड्राई हो जाए आपने फेस वॉश कर लेना है सिंपल वाटर से ही। फेस मास्क अप्लाई करने के बाद हमारा जो फेस है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इस दौरान आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, आपने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं या मूवमेंट करते हैं हमारे फेस पर लाइन्स पड़ जाती हैं, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। मैंने अपने फेस और अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया और अब मैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करती हूँ। देखिए मॉइस्चराइजर यूज़ करना डेली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं तो आपकी स्किन बिल्कुल रुकी सूखी पड़ जाती है, आपकी स्किन में वो सॉफ्टनेस नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि हम समर्स में क्यों
मॉइस्चराइज़र लगाएं। हमारे तो स्किन वैसे बहुत ऑयली होती नहीं, मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को ऑयल नहीं करता बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। और स्पेशली अगर आप वैक्सिंग या शेविंग कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपके घर में पड़ा हो या आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, तो आपने मॉइस्चराइज़र स्किप कभी भी नहीं करना। और मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को भी हाइड्रेट रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।